नमस्कार, मैं ज्ञानू कुमार दीक्षित इस वक्त सबसे बड़ी खबर के साथ। देखते रहिए सिर्फ पावर, आप जनाधिकार न्यूज। पल पल की खबरों पर नजर। सीतापुर में अधिवक्ताओं ने मचाया तांडव। एसपी प्रभाकर चौधरी केपी आरओ को कचहरी में खूब पीट पीट कर किया अधमरा और एसपी प्रभाकर चौधरी का छीना मोबाइल। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबर के साथ, सीतापुर में अधिवक्ताओं ने एसपी प्रभाकर चौधरी केपी आर को लात घूसों से जमकर पिटाई। जज के चैम्बर के अंदर एसपी प्रभाकर चौधरी का छीना मोबाइल। अधिवक्ताओं के द्वारा एक युवक को शहर कोतवाली में अनावश्यक बैठाए जाने का लगाया आरोप। सीतापुर क्लब का प्रशासन के द्वारा कार्रवाई किए ना जाने से नाराज वकील। मौके पर जिलाधिकारी के नहीं पहुंचने पर अधिवक्ता हुए नाराज। जिला जज के चैम्बर में अधिवक्ताओं ने दरोगा को पीटा, साथ ही एसपी प्रभाकर चौधरी का छीना मोबाइल। वरिष्ठ अधिवक्ताओं को पुलिस ने पकड़कर शहर कोतवाली सीतापुर में बिठाया था। अधिवक्ताओं का कहना यह है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो जिलाधिकारी व एसपी प्रभाकर चौधरी व ईओ निहाल चंद्र के खिलाफ करेंगे धरना प्रदर्शन। कल रहेगी बंदी। आज दिनांक 31 अक्टूबर 2018 को जिला जज के कच्छ कचहरी में हुई घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय प्रभाकर चौधरी ने अपने स्टेटमेंट में लगाया वरिष्ठ अधिवक्ताओं पर आरोप। प्रदीप अवस्थी की रिपोर्ट, लाहरपुर सीतापुर। अभी हमारे मेहमान हैं यहाँ पे आए हैं। बात साहब एक बात आती है, मैं 2 घंटे से वहाँ प्रदर्शन कर रहा हूँ, आप लोग मौके पे आना नहीं। तो आज का एक प्रकरण था जिसमें सीतापुर क्लब है, उस पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा पिछले 30 साल से कर रखा था। करीब वो 5 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति है, पूरी तरह से अवैध कब्जा था और उसके अंदर लोग बैठ के क्लब के नाम पे पार्टियां करते थे, अवैध तरीके से उसमें शराब पिलाते थे, जुए का अड्डा चलता था। इसमें कुछ अपने को वरिष्ठ अधिवक्ता बताते थे, वो लोग शामिल थे और इसको आज खाली कराया गया। उस पर प्रशासन ने पुनः अपना कब्जा स्थापित किया, जो भी अवैध निर्माण था उसको गिराया गया। और चूंकि ये लोग पूरा एक नक्शा से बना करके पूरे कब्जे का बिजनेस करते हैं, इस तरह की जो बड़ी बड़ी ज़मीनें रहती हैं, उस पर खाली कराया गया था, मुकदमे दर्ज हुए उसमें। और आज जब मॉनिटरिंग सेल की मीटिंग थी तो वहाँ पर DM और SP दोनों को जाना था, वहाँ पर मैं पहुँचा। उसके बाद मेरा जो सब इंस्पेक्टर थे, PRO थे, वो बाहर खड़े थे। कुछ अधिवक्ता लोग आए जो इनके समर्थक थे या जिनके माध्यम से लोग कब्जा कराते हैं, उसमें से चूंकि एक ही सब इंस्पेक्टर था उस समय, तो उसके साथ बदतमीज़ी किया इन लोगों ने, उस पर काफ़ी बदतमीज़ी किया, उसका संज्ञान लिया गया है। वीडियो भी वायरल हुआ है, उसमें FIR दर्ज कराई जा रही है और अरेस्टिंग के प्रयास किए जा रहे हैं। सभी के ऊपर इनाम 25-25 हज़ार के घोषित किए गए हैं, जो भी अधिवक्ता इसमें शामिल हैं। ये अक्षम्य अपराध किया गया और ये वकील की जो एक गरिमा होती है उसको भी ठेस पहुंचाई गई है। ना केवल अपराध है बल्कि एडवोकेट्स की गरिमा और प्रोफेशनल एथिक्स को दरकिनार कर दिया गया है। इससे समाज में एक बहुत ही गलत संदेश गया है और इसमें सभी जो भी इसमें शामिल हैं, क्रिमिनल्स 3 एडवोकेट्स शामिल हैं, उनके लिए माननीय उच्च न्यायालय को भी पत्राचार किया जा रहा है। और सारी घटना ये जिला जज महोदय के कार्यालय की है, तो इसमें सारी चीज़ें की जा रही हैं। साथ ही इसमें जो भी लोग हैं उनको अरेस्ट करने के प्रयास किए जा रहे हैं और सभी के खिलाफ NSA की भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये अति गंभीरतम अपराध है। इस तरह से एक सब इंस्पेक्टर जो यूनिफॉर्म में था उसके साथ बदतमीजी इस तरह की गई। थैंक यू। आपने कहा सबको सर, गाड़ी कहीं निकालना।
बदतमीजी मोबाइल छीनने वाली ये चीजें पसंद नहीं है। नहीं तो आप रिकॉर्डिंग करेंगे क्या हमारे संरक्षक के सामने करेंगे? तो आप बात करिए, रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। आपने कहा रिकॉर्डिंग करिए, आप हमारे संरक्षक के पास बैठे हुए। आप